हेलो गाइस, व्हाट्स अप। ये वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए अपेयर करने वाले हैं। और जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ थर्मल इंजीनियरिंग, और उसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर आपका फिफ्थ है, और फोर्थ लेक्चर में हमने जहाँ पे अपने डिस्कशन को ख़त्म किया था बिल्कुल उसके आगे अपन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। एंड वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज इज़ आप इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और अपने एटलीस्ट दो व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करो। ओके ओके, तो अब हम लेक्चर नंबर 5 में अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो देखो इसमें क्या क्या है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, जो अपना जीरोथ लॉ था दैट वाज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, जो जीरोथ लॉ था वो कहाँ था, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर पे था। फर्स्ट लॉ बताओ किस पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। इसका स्टेटमेंट क्या, उसको देख लेते हैं। फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, ओके इंपॉर्टेंट है ये, क्लोज सिस्टम। ओके, अंडर गोइंग अ साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग अ साइकिल समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन यहाँ पे। एग्जाम्पल तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपका ये सिस्टम है। ओके, और यहाँ पे क्या है, वेरियस क्यू, देखो यहाँ पे Q1 आ रहा है, यहाँ पे Q2 जा रहा है, यहाँ पे Q3 आ रहा है, यहाँ पे W1 बाहर जा रहा है, W2 बाहर जा रहा है, W3 अंदर आ रहा है। ओके, तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये सिस्टम है जहाँ पे वेरियस हीट ट्रांसफर भी हो रहा है और अपना वर्क ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ऐसे केस में देखो क्या बोला यहाँ पे, फॉर अ क्लोज सिस्टम। ओके, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग अ साइकिल, ओके क्या होगा, समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, अगर ठीक है, अगर साइकिल में अगर वो है ठीक है, तो क्या होगा, समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर क्या होगा अपना, ये समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर का होगा, दैट इज समेशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। ओके, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर अ साइकिल। ओके, ये जो इक्वेशन किसके लिए होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल के लिए होगा। ओके, इसलिए साइकिल वाला जो वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देख लेते हैं, यहां पे देखो क्यू जब बाहर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क इज डन, क्या होता है बताओ, जब क्यू बाहर जाता है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम होता है। बाय द सिस्टम मतलब पॉजिटिव, जैसे यहां पे देखो W2 क्या है, अगेन ये बाहर जा रहा है, मतलब सिस्टम द्वारा ये वर्क हो रहा है। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, W2 इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। W1 W2 अपने क्या पॉजिटिव होगा, W3 वो क्या है, ऑन द सिस्टम है। ओके, W3 कौन सा वर्क है अपने, ये ऑन द सिस्टम, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। वैसे ही Q, Q का जो होता है, ओके पहले अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन फॉर हीट ट्रांसफर, ओके हमने इसको नहीं देखा था पहले, पहले इसको अपन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है हीट ट्रांसफर के लिए, सपोज अपने कोई सिस्टम है तो सिस्टम में जब हीट एडिशन होगा, क्यू ए का मतलब क्या है, हीट एडिशन टू द सिस्टम, या फिर हीट इज रिसीव्ड बाय द सिस्टम। ओके, हीट इज रिसीव कर सिस्टम अगर होगा तो उस केस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर आपको दिया है हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम या फिर हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, तो उस केस हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ओके, तो अब आते हैं यहां पे, देखो यहां पे क्या है, Q1 क्या है, हीट इज रिसीव बाय द सिस्टम, तो देखो यहां पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। Q2 देखो नेचर क्या है उसका, हीट इज रिजेक्टेड या फिर रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, दैट इज नेगेटिव। Q3 को क्या लिखा है यहाँ पे, हीट इज अगेन पॉजिटिव होगा क्योंकि ये अपना क्या बताओ, ये सिस्टम में जा रहा है, दैट इज हीट इज रिसीव्ड बाय द सिस्टम। ओके, तो ये अपना क्या पॉजिटिव। तो इस टाइप के सिस्टम में जितने भी वर्क ट्रांसफर फिर हीट ट्रांसफर होंगे, अगर वो साइकिल में अगर वो चल रहा है तो क्या होगा, इनका समेशन हमको करना है। ओके, और ये अपना क्या हो गया, साइन कन्वेंशन फॉर हीट ट्रांसफर। ओके, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग हीट ट्रांसफर, दैट इज हीट ट्रांसफर क्या होता है अपना, ये पाथ फंक्शन होता है। ओके, अगर कोई चीज पाथ फंक्शन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, और जो पॉइंट फंक्शन नहीं होता वो क्या होगा, प्रॉपर्टी भी नहीं होगा। इसलिए हीट ट्रांसफर अगर अपना पाथ फंक्शन है तो इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ओके, हमने हीट वर्क ट्रांसफर वाला केस में देखा था कि जो पाथ फंक्शन होता है अपना पॉइंट फंक्शन नहीं होता है, और जो पॉइंट फंक्शन नहीं होता उसको हम प्रॉपर्टी भी नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज हमने वहां पढ़ा था, दैट इज जो पाथ फंक्शन होता है वो पॉइंट फंक्शन नहीं होता है, और जो पॉइंट फंक्शन नहीं होता वो अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी नहीं होता है। इसलिए हम क्या लिखे, देखो वहां पे हीट ट्रांसफर इज एन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब क्यू के सामने हम क्या लगाएंगे, डी के ऊपर ये
लकीर हल्का सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको डंडा बोलते हैं, या फिर इसको क्या लिखेंगे अपन, डेल क्यू लिखेंगे। ओके, डी के ऊपर एक लकीर ड्रॉ कर दो, यहाँ पे क्यू लिख दो, ये अपना क्या इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को शो करेगा, या फिर डेल क्यू लिखेंगे यहाँ पे। ओके, दैट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता तो हम क्या करते हैं वहां पे डी लगाते हैं, ना कि डी के ऊपर ये लकीर ड्रॉ करते हैं या फिर अपन यहाँ पे डेल ड्रॉ करते हैं। ओके, चूंकि अपने क्या इन एग्जैक्ट है इसलिए हम क्या यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस। प्रोसेस के लिए हमारा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ये है, दैट इज डेल क्यू इक्वल्स टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, ई का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है। ओके, एनर्जी क्या होता है, इज अ समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। यू स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी। ओके, ये अपना क्या है, इंटरनल एनर्जी। ओके, अब हम क्या करें, यहां पे डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस इन एनर्जी क्या होगा अपने, ये डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी प्लस डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिफरेंस इन क्या होगा, ये चेंज ले रहे हैं एक्चुअली, होगा ना, चेंज इन एनर्जी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, बट क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है अपना, ये जीरो होता है। दैट इज वाई हम क्या करेंगे यहाँ पे, ई को यू कंसिडर करेंगे और हमको फाइनली क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिलेगा, दैट इज डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, हम जो है इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं, यहां भी मैं वही चीज को यहां पे लिखा हूं। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। दैट इज इंटरनल एनर्जी, दैट इज कैपिटल यू। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कैपिटल यू अपने क्या है, इंटरनल एनर्जी है। ओके, तो देखते हैं इसके ऊपर स्टडी कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स। ओके, नाम से मालूम पड़ रहा है इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स। ओके फाइन, ये क्या है अपना, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, और इसका यूनिट वो क्या होगा, वो किलो जूल्स में होगा। ओके, जब इस इंटरनल एनर्जी को जब मास में डिवाइड करूंगा, जब मास से डिवाइड करूंगा, इट विल गिव मी स्मॉल यू, और स्मॉल यू को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। ओके, स्मॉल यू को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी विच विल बिकम, अच्छा ये अपना क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये अपना क्या होगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओके, सिंस हम यू को मास से डिवाइड कर दिए हैं तो हमारा जो यूनिट होगा किसका बताओ, स्मॉल यू का क्या होगा, ये किलो जूल्स पर केजी। ओके ओके, अब यहाँ पे क्या है, कुछ फॉर्मूले को भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं जो अपन फ्रीक्वेंटली यहाँ पे यूज करने वाले हैं आगे। डी यू, यू अपना क्या होता है, यू इक्वल्स टू अपना होता है एम सी वी टी। ओके, अगर मैं डिफरेंस इन या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेता हूँ तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर हो जाएगा, दैट इज एम इंटू सी वी इंटू डी टी। फाइन, तो वैसे अगर मैं चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी अगर कंसिडर करता हूं तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, दिस अपन मास हो जाएगा, मतलब इस वाले क्वांटिटी को जब मैं नीचे लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये डी यू हो जाएगा, सो इट विल बिकम सी वी इंटू डी टी। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी का हम कैपिटल एच से इसको डिनोट करते हैं। ओके, और ये कैपिटल एच अपना होता क्या, देखो इट्स अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ओके, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क। ओके, तो ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ओके, तो ये अपना क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, किलो जूल्स। ओके, यूनिट अपना क्या होगा इसका, किलो जूल्स हो जाएगा इसका। ओके, अगर इसी एंथैल्पी को अगर मैं मास से डिवाइड करता हूं तो अपना क्या बन जाएगा, स्मॉल एच। ओके, स्मॉल एच मतलब क्या, ये स्पेसिफिक एंथैल्पी बन जाएगा, और ये अगर हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओके, अगर इसका यूनिट अगर किलो जूल्स है तो इसका यूनिट क्या होगा बताओ, किलो जूल्स पर केजी हो जाएगा। ओके, सबको अपन आपस में रिलेट कर सकते हैं। ओके, एच इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट स्मॉल एच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो जैसे पिछले वाले जो हमारा था इंटरनल एनर्जी, वहां पे अपना क्या था, डी यू हमारा क्या था, एम सी वी डी टी था, तो यहां पे क्या है, देखो चेंज इन एंथैल्पी। ओके, चेंज इन एंथैल्पी अपना क्या होगा, एम सी पी
डीटी हो जाएगा। ओके अगर मैं मास को नीचे लेके आता हूं, मैं डीएच के नीचे लेके आता हूं, तो दैट विल बिकम्स डी स्मॉल एच। ओके दैट इज चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू सीपी इनटू डीटी। ओके तो ये जो फॉर्मूलेज हैं आपको पता होना चाहिए, ये वाला विथ आपको यूनिट पता होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कब होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कब होता है। ओके ये फॉर्मूला कौन सा है आपको ये सब पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर इन वेरियस क्लोज सिस्टम प्रोसेसेस। ओके तो पांच टाइप के प्रोसेस हम पढ़े थे, दैट इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो हम देखेंगे हर एक केस में हीट ट्रांसफर क्या आएगा। ओके तो देखो पहला प्रोसेस कौन सा है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को हम और क्या क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं और आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके तो सिंस वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस क्या होता है, डेल की इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके अब सिंस ये हमारा क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है। ओके क्लोज सिस्टम के केस में डेल डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी होता है, और अगर ये ओपन सिस्टम होता तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस वी डी पी। ओके इसका जस्ट उल्टा कर दो, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पी डी वी है तो क्या होगा, ये वी डी पी हो जाएगा। ओके ठीक है, सिंस वी हैव क्लोज सिस्टम तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू इज रिप्लेस बाई पी डी वी। ओके अब सिंस यहाँ पे क्या लिखा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो ये अपना डी वी लिखा हुआ है, तो डी वी अपना क्या होगा, ये अपना जीरो हो जाएगा। ओके डी वी क्यों लिखा, यहाँ पे जीरो है, तो ये अपना क्या टर्म हो क्या, जीरो हो जाएगा। तो हमारे को बताओ फाइनली क्या मिलेगा, डेल क्यू इक्वल टू डी यू दैट इज इक्वल टू एम इंटू सी वी इंटू डी टी। तो हम जो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जो है उसको डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, एम इंटू सी वी इंटू डी टी। फाइन आगे बढ़ते हैं, सेकेंड दैट इज कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके तो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं और आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू अ प्रोसेस दैट इज डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ओके सिंस यहाँ पे आपका प्रेशर क्या कॉन्स्टेंट है, ओके तो ये क्या कॉन्स्टेंट है, तो उसको अपन अंदर लेके जा सकते हैं, दैट इज डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ पी वी। ओके ये कॉन्स्टेंट है, ओके कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिया हुआ है तो ये अपना कॉन्स्टेंट होगा, तो कॉन्स्टेंट है तो उसको अपन अंदर लेके जा सकते हैं। ओके तो ये डी ऑफ पी वी हो गया। ओके अब देखो ये भी अपना क्या प्रॉपर्टी है ना, ये भी अपना क्या है, प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हम डी कॉमन कर दिए, तो ये यहाँ देखो क्या होगा, डेल की इक्वल टू डी ऑफ यू प्लस पी वी। अब हमने देखा था यू प्लस पी वी क्या होता है, एंथैल्पी होता है। ओके तो डेल की इक्वल टू डी एच। ओके और डी एच की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, एम सी पी डी टी। ओके तो हमें कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर है वो क्या मिलेगा, एम सी पी डी टी। ओके एम स्टैंड फॉर मास ऑफ गैस, सी पी स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डी टी इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके आगे बढ़ते हैं, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ओके तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड फॉर प्रोसेस दैट इज डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके ओके डी यू बताओ क्या होता है अपना, डी यू इक्वल्स टू एम सी वी डी टी। ओके सिंस हमको दिया हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, तो इस केस में क्या होगा, ये डी टी क्या होगा अपना, जीरो हो जाएगा, तो ये होल टर्म क्या होगा अपना, ये जीरो हो जाएगा, दैट इज डेल क्यू सॉरी डी क्यू बिकम जीरो। तो हमारे को क्या मिलेगा, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू। ओके तो जितना भी यहाँ पे वर्क ट्रांसफर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। और आपको पता होना चाहिए कि वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस तो सबसे आसान चीज है, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर, तो यहाँ पे क्या होगा अपना डेल क्यू क्या होगा, ये जीरो होगा। ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट प्रोसेस देखो कौन सा, एडिया पॉलीट्रॉपिक है। ओके पॉलीट्रॉपिक के केस में क्या होता है, एक बार फॉर्मूला देख लो, वेरी सिंपल फॉर्मूला, डेल की इक्वल्स टू गामा माइनस एन अपॉन में गामा माइनस वन इंटू पॉलीट्रॉपिक वर्क। ओके पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्क आता है पहले उसको अपन निकालेंगे, क्या होता होता है पॉलीट्रॉपिक वर्क, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन में एन माइनस वन।
ये अपने क्या होता है पॉलीट्रॉपिक वर्क होता है, तो उसको यहां रखेंगे, उसको होता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गामा माइनस एन अपॉन में गामा माइनस वन। ओके, तो यहां पर जब मुझे वैल्यू मिले दैट विल गिव मी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके, क्या हीट ट्रांसफर। ओके, हीट ट्रांसफर इन द केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके ओके, सो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। और इस टॉपिक के साथ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। ओके, तो देखो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, द एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। ओके, तो देखो यहाँ पे एक फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ, लेट सपोज दिस इज माई रूम। ओके, ये अपना एक रूम है जो कि क्या बताओ कंप्लीटली इवैक्यूएटेड है। ओके, एंड इंसुलेटेड, फाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको दो चैम्बर में डिवाइड कर दे रहा हूँ। कैसे बताओ, बाय मेकिंग वन पार्टीशन, बीच में पार्टीशन लगा दिया, जहाँ पे एक तरफ क्या है कंप्लीट गैस से फिलअप है और दूसरा क्या है कंप्लीटली वैक्यूम है। ओके, तो सिंस वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द केस ऑफ क्या बताओ, इन द केस ऑफ प्रोसेस क्या होता है, डेल की इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, तो सिंस द रूम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड एंड इवैक्यूएटेड, तो यहाँ पे क्या होगा हीट ट्रांसफर अपने क्या होगा जीरो हो जाएगा। ओके, प्री एक्सपेंशन केस में देर इज नो वर्क ट्रांसफर। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, यहाँ पे वर्क ट्रांसफर हमेशा क्या होगा आपका जीरो होगा इन द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। ओके, अब मान लो यहाँ पर अगर हल्का सा अगर होल होता है, या फिर अगर मैं इस पार्टीशन को हटाता हूँ मैं, तो दिस गैस इज गोइंग टू, ओके, ये गैस क्या होगा बताओ, ये पूरे चैम्बर में मतलब वैक्यूम जहाँ पे था इस पूरे वैक्यूम में फैल जाएगा ये। ओके, ये क्या होगा एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगा। ओके, किसके अगेंस्ट में, वैक्यूम के अगेंस्ट में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी हमेशा जीरो होगी, देर इज नो वर्क ट्रांसफर। ओके, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा बताओ, दैट इज डी यू इक्वल टू जीरो। ओके, मतलब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा कॉन्स्टेंट हो गया, सिंस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो क्या बोलते हैं, प्री एक्सपेंशन इज अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जो कि ये क्या है एक गलत चीज़ है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका इनिशियल टेम्परेचर था जो गैस का, ओके, और जो फाइनल टेम्परेचर आएगा आफ्टर एक्सपेंशन, वो क्या होगा सेम होगा। ओके, वो क्या होगा सेम होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि थ्रू आउट जो प्रोसेस था उस थ्रू आउट में क्या था टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, ऐसा नहीं है। हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा घटा भी होगा या फिर थोड़ा बढ़ा भी होगा, बट एट द एंड क्या होगा वो सेम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है दैट टी फाइनल क्या होगा, ये टी इनिशियल के बराबर होगा। ओके, बट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या होता है थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा वो सेम रहेगा, बट यहाँ पे मेरा ये कहना है कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा सेम होगा, बट प्रोसेस के बीच में टेम्परेचर घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, तो इसीलिए प्री एक्सपेंशन प्रोसेस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें प्लीज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।